तो गाइज़ अगर आप जो है अगर कैलकुलेटर ऐप का अगर इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर का पासवर्ड भूल गए हो, तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है कैलकुलेटर ऐप को बिना पासवर्ड के ओपन कर सकते हो। तो गाइज़ जो भी आपका ऐप है कैलकुलेटर वाला, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो गाइज़ जब आप इसको ओपन कर लोगे तो इस तरीके का डेस्कटॉप आपके मोबाइल के अंदर देखने को गाइज़ मिल जाएगा। तो गाइज़ अब जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इस ऐप को बिना पासवर्ड के जो है गाइज़ आप इसको ओपन कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप जो यहाँ पर गाइज इसको पासवर्ड के ओपन कर सकते हो। तो गाइज अगर आप इसका पासवर्ड अगर भूल गए हो और बिना पासवर्ड के आप इसको ओपन करना चाहते हो, तो गाइज इसके लिए जो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना है 1122 3344, इस तरीके से गाइज लिखना है और इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज आपको क्लिक कर देना है। इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे गाइज तो यहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जो भी आपने अपना अकाउंट बनाते वक्त लिखा था वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो गाइज मेरा जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर ये है और मुझको याद है। अगर गाइज आपको याद नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और जो है वीडियो का लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो। अगर याद है तो आपको जो है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है और डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइज जब यहाँ पर मेरा बता रहा है कि मेरा जो पासवर्ड है कैलकुलेटर का वो क्या है, तो यहाँ पर पासवर्ड मेरा बता रहा है योर पासवर्ड इज 1234। तो गाइज मुझे यहाँ से अपना पासवर्ड पता चल गया। अब डन वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको इस तरीके से कट कर देता हूँ और 1234 इस तरीके से गाइज लिख लेता हूँ और इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गाइज आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है और गाइज इस तरीके से जो है मेरा ये कैलकुलेटर ऐप जो है वो ओपन हो गया है। तो गाइज उसी तरीके से अगर आप भी जो है अपने कैलकुलेटर का पासवर्ड अगर भूल गए हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके अपने पासवर्ड को पता कर सकते हो। और सिक्योरिटी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं पता है तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएगी। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो रहे हो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो।